पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, इनकी क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है। मात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको प्यार मिलता है। आईपीएल के दौरान वो नज़र भी आता है, जब उनकी टीम दिल्ली में खेल रही हो या बेंगलोर में, या उनकी अपने होम ग्राउंड चेन्नई पर खेल रही हो, हर जगह उन्हें उतना ही प्यार मिलता है। जिसके कारण ही मात्र फैंस ही नहीं बल्कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर भी उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। आपको बता दें, ऐसा कोई एक फ्रेंचाइजी का ओनर नहीं है बल्कि तीन बड़ी फ्रेंचाइजीज के ओनर चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उनकी टीम की तरफ से खेलें। पहला, कोलकाता नाइट राइडर के को ओनर और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। शाहरुख खान ने 2017 में एक बार कहा था कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नीलामी में आए तो वो अपनी पैंट बेचकर भी उन्हें अपनी टीम के साथ जोड़ना पसंद करेंगे, जो साफ दिखाता है कि शाहरुख खान महेंद्र सिंह धोनी के कितने बड़े फैन हैं। दूसरा, बॉलीवुड की दीवा और किंग्स इलेवन पंजाब की को ओनर प्रीति जिंटा ने भी आईपीएल 2018 के दौरान कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें वो अपनी टीम के साथ जोड़ना पसंद करेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। प्रीति जिंटा का यह कहना ही साफ दर्शाता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या सोचती हैं। तीसरा, मुंबई इंडियंस की को ओनर नीता अंबानी जिसे भी चाहती हैं आईपीएल नीलामी के दौरान उसे खरीद लेती हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है जिन्हें वो चाहकर भी अपने साथ नहीं जोड़ पाई हैं, जो उनका दर्द आईपीएल 2018 के दौरान दिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ऐसे कद का खिलाड़ी टीम में शामिल हो तो पूरे भारत का प्यार उनकी टीम को अपने आप ही मिल जाता है। अब इन तीन फ्रेंचाइजीज ओनर का इस तरह का बयान देना साफ दर्शाता है कि सिर्फ फैंस में ही नहीं बल्कि आईपीएल के ओनर्स में भी उनका कितना सम्मान है। महेंद्र सिंह धोनी के फैन फॉलोइंग की चर्चा जितनी ज़्यादा की जाए उतना ही कम नज़र आता है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।